नमस्कार। खास मुलाकात के इस क्रम में मैं याज्ञवल्क का आपका स्वागत करता हूं और इस समय हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है राजेश मूणत। छत्तीसगढ़ की सियासत में, भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक इतिहास में राजेश मूणत एक जाना पहचाना नाम है और छत्तीसगढ़ में इस समय वो परिवहन, PWD और पर्यावरण प्रभार संभाल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रवर। राजेश जी, आपकी जो सियासत रही है, बीजेपी का युवा मोर्चा से आपने शुरुआत की, 2000 का जो दशक जहाँ पर छत्तीसगढ़ शुरू हुआ, बहुत आक्रामक सियासत रही है और वो स्टेमिना भी बरकरार है जबकि पार्टी आप ही की है, सरकार आप ही की है, वो आक्रामकता क्यों रहती है इतनी? देखिए, अपने अपने काम करने की शैली आक्रामकता नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है जब आदमी को कोई चीज़ सूट नहीं होती है, उस चीज़ के ऊपर कहीं वो अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो ऐसा लगता है वो आक्रामक होकर उस बात को बोल रहा है। विपक्ष में थे तो विपक्ष में हमारी भूमिका अलग थी। सरकार के अंदर जो लोग थे उस समय, जनता की आवाज़ को उठाना, सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में लेकर के जाना, उस समय का मेरा वो दायित्व था। इसलिए उस समय उस भूमिका में था, युवाओं के बीच में काम करता था। तो सरकार की ऐसी कई योजना थी जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में नहीं थी, युवाओं के हित में नहीं थी, तो उसको लेकर के लगातार आंदोलनात्मक गतिविधियों में हमारी भूमिका रहती थी और उसी हिसाब से हम सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। आज हमारी यही है भूमिका। अब जनहित के काम करना, जनता की समस्या का समाधान करना, सरकार की योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुँचे और उसके लिए वर्किंग करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें जनहित के अंदर ठीक नहीं होती, कहीं कोई अनियमितताएँ दिखती है तो उसके बारे में अगर बोलते तो उनको लगता है कि यह वही शैली है जो पुरानी शैली थी उस शैली के अंदर। लेकिन सामान्यतः दोनों चीज़ों में अब फेरबदल हो गया, क्योंकि कि वर्किंग करते करते ये हो गया सुनिश्चित कि भाई आम जनता को जो सरकार की योजनाओं का लाभ है वो मिलना चाहिए और जब उसमें कोई कोताही होती है, किसी को डांटते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में लगता है कि मंत्री जी पुराने फॉर्म में वापस आ रहे हैं। लेकिन सामान्यतः दोनों अलग अलग दिशा हैं। लेकिन आपकी नाराज़गी कई मसलों पे जो सामने आई है, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बहुत तल्ख हो जाते हैं, आप अधिकारियों को फटकार देते हैं, पर भ्रष्टाचार का वो मुद्दा कम तो होता नहीं? देखिए, ऐसा नहीं है, कई चीज़ों में सुधार हुआ है और सुधार की प्रक्रिया एक दिन में पूर्ण नहीं होती है, सुधार की प्रक्रिया नित्य जारी रहती है। मैंने कहा ना, कभी कभी हमें जो दिखता वो चीज़ सही भी नहीं होती है, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जनहित के मुद्दे पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ में आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जहाँ तक हो सकता जनहित में, जनता के हित में अपनी कार्य योजनाओं के माध्यम से उसका लाभ पहुँचे, उसके लिए कोशिश करना चाहिए। आपकी ये कोशिशें आपको विवाद में ज़्यादा लाती हैं और ख़ासकर वो लोग ही इस पर इशारा करते हैं जो आपके अपनी पार्टी के लोग हैं, आपको कैसा लगता है उस समय? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विवाद में आने का विषय भी नहीं है। कभी कभी क्या रहता है कि व्यक्ति का स्वभाव होता है और जब स्वभाव को लोग पहचान लेते हैं तो उसके अंदर लोग कहने लगते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति यार कितना भी हो नहीं, व्यक्ति ठीक है। क्योंकि राजनीति में यस बोलने की एक आदत बन गई लोगों की। लोग सामान्य रूप से बोल देते हैं हो जाएगा, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मालूम पड़ा उसकी आदमी की सांस चलते चलते उसकी सांस रुक जाए तब तक हो ही रहा होता है। लेकिन अगर जो काम नहीं हो सकता है वो लगता है कि ये काम नहीं हो सकता, वाकई में बोलने के पहले स्वयं को इस बात का अवलोकन करना चाहिए, वाकई में ये काम नहीं हो सकता है, तो मना करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि अगर मैंने मना किया है तो वाकई में नहीं हो सकता है, मैं तो मना कर दूं लेकिन आसपास के इर्द गिर्द का कोई दूसरा व्यक्ति आकर के वो काम करा के चला जाएगा तो वहाँ आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इसलिए काम करने और मना करने के पहले स्वयं को सुनिश्चित करना चाहिए कि वाकई में ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या इसको आपके बाकी सहयोगी मंत्रियों के लिए भी एक नज़ीर और सलाह मानी जाए इस बात को? नहीं, ऐसा नहीं, हर एक व्यक्ति का काम करने का एक स्वभाव होता है। मैंने कहा ना, वर्किंग करते करते अपना एक स्वभाव हो जाता है और जनता उस हिसाब से पहचान लेती है। फिर एक चीज़ बताइए, PWD मिनिस्टर हैं आप, डामर को लेकर
विवाद हुआ, घोटाले तक लगने के आरोप लगे, उस मसले पे आपने तल्ख अंदाज अपनाया, आपने कहा कार्रवाई होगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने अपने कार्यकाल में जिन चीज़ों का किया हूँ लोग जानते हैं, और कार्रवाई भी किया मैंने कईयों के खिलाफ में, कई लोगों का पेमेंट नहीं हुआ आज तक भी, और अनियमितताएँ थी। देखिए, अनियमितताएँ उजागर होना और अनियमितताओं को ठीक करना दोनों अलग है। अगर कोई चीज़ ध्यान में आई है जिसके कारण अनियमितताएँ होती, जिनके कारण ये आम जनता को सुविधा मिलने में कहीं तकलीफ हो रही है, उसको ठीक करना विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य, उस विभाग के मंत्री का कर्तव्य है। जो कमी बेसी आई थी उन कमी बेसी को हमने ठीक किया, और ठीक करने के बाद में पुनः ये आवृत्ति ना हो इसके लिए निर्देश जारी हुए, और मेरे हिसाब से मैं कहता डिपार्टमेंट ने इन्हें इस गंभीरता को लिया है, और आज उसके आधार पर कहीं ना कहीं जाकर के सुनिश्चित हुआ है कि जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी वो सब चीज़ें हम पूर्ण किए हैं। कोई ऐसा मापदंड है क्या आपके पास जब आप ये कह सकें कि पीडब्ल्यूडी विभाग है या कोई दिगर विभाग है जो आपके पास है उससे भ्रष्टाचार नियंत्रित हो जाएगा, कोई ऐसा पैमाना रखे हैं क्या आप? नहीं, क्यों नहीं हो सकता, सब हो सकता है। काम किए, काम करके दिखा रहे हैं, इतना बड़ा कमल विहार खड़ा करके दिखाया आरडीए का, इतनी बड़ी राजधानी रायपुर में करके दिखा रहे हैं काम, देश के लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के पुनः पीडब्ल्यूडी विभाग दिया उसके अंदर भी काम करके दिखा रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर काम किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद में जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ा है, आज भी कह सकता हूँ मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं हमारे मंत्रिमंडल के पूरे सहयोगी, आज भी कोई सिंगल व्यक्ति कोई कटघरे में खड़ा नहीं कर पाया। कोई अन्य स्टेट में आरोप प्रत्यारोप आरोप पत्र चलेगा, लोक आयुक्त के अंदर दुनिया की शिकायतें हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो राजनीति में कभी किसी पद पर रह करके काम नहीं किए, 80% वो युवा मंत्री बनकर के आए और उन्होंने एक छाप छोड़ी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जो राजनीति में रहने के बाद में भी इस प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता इस मंत्री के ऊपर कि चार्जशीट लगकर के आरोप हुआ इसके अंदर भ्रष्टाचार में दोषी ठहराया गया। आपके पास परिवहन विभाग है और वो सर्वाधिक चर्चाओं में रहता है भ्रष्टाचार के सहकारिता के सिस्टम के हिसाब से वितरण के लिए, ये कहा जाता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सहकारिता के हिसाब से बंटवारा होता है उसमें। देखिए, सामान्यतः परिवहन विभाग के अंदर मैं इस बात को कह सकता हूँ, जिससे मैंने परिवहन विभाग संभाला, प्रतिनियुक्ति मैंने विभाग के अंदर बंद की। पहले प्रतिनियुक्ति में ही चलता था पूरा विभाग, लेकिन मैंने अपने विभाग के अंदर पूरी प्रतिनियुक्ति बंद कर दी। पुलिस विभाग का एक भी अधिकारी विगत 4 साल के अंदर प्रतिनियुक्ति पर नहीं आया। मेरे विभाग का सेटअप कमजोर है, मेरे विभाग में कर्मचारियों की जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति नहीं है, लेकिन विभाग के कुछ समय से अभी मेरा नया सेटअप स्वीकृत हुआ, आने वाले समय मेरे पास आरडीओ की भर्ती हो जाएगी, टीआई की भर्ती हो जाएगी, मैंने सब इंस्पेक्टर की भर्ती कर ली, सिपाही की मैंने भर्ती कर ली है, चेक पोस्ट मेरे बन गए हैं जिसमें सिविल वर्क हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे से लेकर के इनके वर्किंग हमारे चालू है, हमने आरसी बुक से लेकर के लाइसेंस प्रणाली तक हमने नेट के माध्यम से कर दिया। उसके अंदर आने वाले समय जो हमारे लोगों के जहाँ तक का है टैक्सेस प्रणाली है, टैक्सेस ईमेल के माध्यम से मेरी टैक्स प्रणाली हो रही, वो 2015 तक मैं कोशिश करूँगा फिर विभाग को ऑनलाइन ले आऊँगा। ऑनलाइन लाने से क्या सहकारिता का वो जो सिस्टम है जो सुर्खियों में रहता है और जाने अनजाने मगर जानते सब हैं, उससे वो सहकारिता का सिस्टम दूर हो जाएगा आपको लगता है? देखिए, सहकारिता में अभी तक समझ नहीं पाया क्या है सहकारिता, लेकिन सिस्टम में सुधार आएगा ये सुनिश्चित है, वो सिस्टम ठीक होगा। और आम जनता को आज लाइसेंस बनाने के लिए 2-3 घंटे लगता था, आदमी आज घर बैठे जाता लाइसेंस के, अपने ऑनलाइन से अपना समय लेता, समय पर जाता, उसका लाइसेंस बनता, फोटो होता, थंब होता है, उसका फोटो लेके तत्काल बना के दे देते हैं, दलालों से मुक्ति मिल गई पूरी पूरी। हमारे को टैक्सेस प्रणाली के अंदर दलालों से मुक्ति हो गई, जो कुछ चीज़ें आई थी निकल करके उन चीज़ों को धीरे धीरे हमने ठीक किया, और ठीक करने में कुछ कमी बेसी रही होगी विभाग की, मैं ये नहीं कहता, पूरा डिपार्टमेंट माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी इस बात को बोला, और मैंने कहा जो जो चीज़ें हमारे ध्यान में आती जा रही है उनको ठीक करते करते ये हमें पूर्ण विश्वास है कि 2015 के बाद में जरूर इस विभाग के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके पास पर्यावरण भी है और सरकार की दिलचस्पी, सरकार का रुझान, विकास का पैमाना है उद्योग, और ये सवाल उठते हैं तथ्य परक आंकड़ों के साथ सवाल उठते हैं कि जो उद्योगों के आधार पर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और कोई संतुलन नहीं है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1980 से लेकर के छत्तीसगढ़ में खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर स्टील सेक्टर का हुआ है,
रायपुर के अंदर बातचीत करते हैं, बालको बहुत पुराना बसा हुआ है, भिलाई स्टील प्लांट हमारा बहुत बड़ा बसा हुआ है। रायपुर के आसपास में कुछ जरूर है कि उस समय स्पेन आयरन की एक साथ स्थापना हुई। विगत 5-6 सालों के अंदर हमने एक्सपांशन जिन जिन सेक्टर के अंदर कहीं पर्यावरण को नुकसान होने की बातचीत थी उन सेक्टर को हमने प्रतिबंधित घोषित करके रखा और नहीं कहीं एक्सपांशन की हमने कोई परमिशन दी और न उस क्षेत्र के अंदर प्रदूषण इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने कोई चीज़ें आज तक स्वीकृत की है। हमने ये भी सुनिश्चित करके रखा कि जिन सेक्टर में प्रदूषण की शिकायतें हैं तो प्रदूषण को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग के साथ में सुनिश्चित है पर्यावरण ठीक हो, तो उसके लिए वृक्षारोपण से लेकर के अन्य चीज़ों के ऊपर भी काम करना प्रारंभ किया। यही नहीं, हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि पर्यावरण की दृष्टि से जिन जिन फैक्ट्रियों के अंदर जो इक्विपमेंट लगना चाहिए, पहले एक चिमनी नहीं हुआ करते थे। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की पहले की बातचीत करूं मैं आपको, तो आप सर्वे कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, पूछ लीजिए लोगों को, कभी स्टील प्लांट के अंदर कहीं पर जा कर के ये ESP लगती नहीं थी, कोई लगाते नहीं थे। ये सरकार आने के बाद में कोई मील एक ऐसा नहीं होगा जिसमें ESP नहीं लगी हो। हमने लगातार मॉनिटरिंग की है और इसलिए कि धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से हमने कुछ संतुलन तो किया है और आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के साथ में ये सुनिश्चित किया कि जिन सेक्टर में पर्यावरण ज़्यादा दूषित हुआ है वहीं कोई इंडस्ट्रीज़ को नया इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को एक्सपांशन की परमिशन हम लोग नहीं देंगे। अब ये जो प्रयास हैं आपके, इन प्रयासों पे तब सवाल लग जाता है कि जब ये बताया जाता है कि रायपुर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रदूषण की टॉप 10 लिस्ट में पहले से लेकर 5वें के बीच में अपना अहम स्थान रखती है, तो फिर इन प्रयासों को क्या कहें जिनका दावा आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जरूर पिछली बार ये बात आई थी, लेकिन निधि की रिपोर्ट आने के बाद में रायपुर का स्थान उससे ख़त्म हुआ। और मैं इस बात को कहा ना, जो क्लस्टर पहले एक जगह था, जो 1980 के बाद में जो इंडस्ट्रीज एक जगह लग गई थी, वो इंडस्ट्रीज एक जगह लगने के कारण जो धुआं एक साथ दिखता उसके कारण, लेकिन ये 5-6 साल के अंदर सरकार ने उन सेक्टर को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, और उसको भी ठीक करने के लिए सरकार ने ESP का उपयोग किया, यहाँ तक प्रदूषण रोकने वाले जितने यंत्र होते हैं उनकी स्थापना की, वहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम चले, अवेयरनेस की दृष्टि से उन लोगों को बुला के लगातार सेमिनार करना, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो पुराने इक्विपमेंट थे उनको चेंज करने के लिए, और ये सब हमने लगातार प्रक्रिया के माध्यम से ठीक किया। और मैं आज कह सकता हूँ कि अन्य स्टेट में जो कई जगह ऐसी प्रदूषण इंडस्ट्रीज होने के बाद में भी, मैं आप इस बात को कह सकता हूँ कि रायपुर में अब भी इतना, सिर्फ प्रदूषण की अलग अलग परिभाषा, प्रदूषण है तो धूल उड़ता तो भी प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण वो भी एक प्रदूषण है, कचरा डाल देता आदमी नाली जाम हो जाती है वो भी एक प्रदूषण है। और इसलिए मैंने कहा कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने लगातार अभियान चला करके इसको रोकने की कोशिश की। क्या आप ये मानते हैं कि उद्योग ही इकलौता विकास का पैमाना नहीं हो सकता है और उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है, लगातार जरूरत है? नहीं, मैं इस बात पर सहमत हूँ, आवश्यकता सबके, पर्यावरण सुनिश्चित करना, जाल माल की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, और जाल माल की रक्षा के अंदर अगर कहीं पर भी जाके उद्योग आता है बीच में तो उद्योग को बंद करना पसंद करूंगा, जालमाल की रक्षा पहले करूंगा। आपके पास आवास है, लेकिन आवास में जो निर्माण हुए वो निर्माणों पर कई बार शिकायतें हुई हैं, उनके गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं, उसको लेके राजेश मूर्त क्या समझते हैं, ये स्थितियां क्यों बन जाती हैं? नहीं देखिए, आवास प्रणाली विभाग में इस बात को गर्व के साथ में कहता था, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले 2003 के पहले दो सरकार आई, उसके पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की सरकारी एजेंसी खत्म हो गई थी। 2003 से लेकर के आज तक हम लोगों ने जो नित्य निर्माण किए हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और जितना हाउसिंग बोर्ड ने आम व्यक्ति तक, हमने 1 लाख मकान बना करके लोअर हाउसिंग को देने का सरकार का जो संकल्प है, लगभग 60,000 मकान बना करके हमने लोअर हाउसिंग के लोगों को दिया, या दीनदयाल आवास है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास है, अटल आवास है, इनके माध्यम से आम व्यक्ति की पहुँच तक, जो 1,20,000 का मकान है उसके ऊपर 40,000 की सब्सिडी देना, 2.5 लाख का मकान है, 2 लाख का मकान है उसके ऊपर 80,000 रुपये की सब्सिडी देना सरकार अपनी योजना के तहत। और इस बात को आज गर्व के साथ में कह रहे हैं लोग कि EWS के लिए आज जगह नहीं होती, केंद्र सरकार की कई योजना, जिन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए पास सरकार के पास जगह नहीं होती, लेकिन सरकार ने अपने प्लानिंग के अंदर डाल के रखा है कि अगर कहीं भी बड़ी कॉलोनी भी बस रही होगी जहाँ करोड़ों के बंगले भी बन रहे होंगे तो गरीब परिवार को भी वहाँ रहने के लिए आशियाना मिलेगा, वहाँ EWS के लिए उसको जगह छोड़ना पड़ेगी।
और आज मैं कह सकता हूं कि जितने आवास की पूर्ति हो सरकार के माध्यम से, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनके पूर्ण हुए हैं, जिन प्रोजेक्ट के अंदर गर्व होता है, मैं कह सकता हूं अन्य कॉम्पिटिशन कर्ताओं के बीच में सरकार के आवास नीति की और सरकार ने जो काम किए हैं उसकी विश्वसनीयता बरकरार रही है, उसकी विश्वसनीयता खड़ी भी हुई है। तो गुणवत्ता को लेकर जो शिकायतें हुई, गुणवत्ता को लेकर जो सवाल उठे, जो शासकीय रूप से बनाए गए सोसाइटियों के माध्यम से आपके विभाग में जो सोसाइटियां हैं, जो बन रही हैं कॉलोनियां, उनकी गुणवत्ता को लेकर ही सवाल? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहता हूं अगर आपके ध्यान में कोई आया कहीं कमी बेसी हुई, गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने यहाँ तक कि लोगों की शिकायत आती रेट के फिक्सेशन को लेकर के आती थी, हमने सुनिश्चित कर दिया कि हाउसिंग बोर्ड जो मकान बनाएगा, जो एक बार घोषणा करेगा कि 14 लाख का मकान है, तो 14 लाख में ही उसको मकान मिलेगा। अब उसकी रेट फिक्सेशन का मामला अलग से नहीं होगा, नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाती थी, कॉस्ट एस्केलेशन क्लास का फ़ायदा मिलता था कहने के जाए। हमने कहा नहीं, हमारी विश्वसनीयता सुनिश्चित होना चाहिए कि जो रेट हमने एक बार कोट किया उस रेट के आधार पर उसको मकान मिलना चाहिए। और जहाँ कहीं कुछ कमी बेसी अगर कहीं आई होगी शिकायत, उनको भी दूर करना हमारा कर्तव्य है। गुणवत्ता के लिए लगातार हम लोग कोशिश करते हैं, फिर भी कोई बात आई होगी तो उसको जरूर देखेंगे। राजेश जी, एक लंबा सुदीर्घ अनुभव है संगठन का आपको काम करने का, मुझे ये बताइए कि संगठन जो संघर्ष के दौर में था 2000 से पहले का और सत्ता में आने के बाद, संगठन का जो वर्चस्व हुआ करता था कि सत्ता को संगठन गाइड करेगा, ऐसा लगता है कि परिस्थितियों के हिसाब से उसमें भी परिवर्तन हुआ है और उसको सुधार की कोई आवश्यकता है उसमें? देखिए, सत्ता संगठन साइकिल के दोनों चक्के, हम लोग सब पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, आज जनप्रतिनिधि बन गए, सरकार के अंग बन गए। हर सरकार की, हर पार्टी की कुछ न कुछ अपनी आइडियोलॉजी होती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अगर सरकार के अंदर भी है या वो संगठन में भी काम कर रहा, तो दोनों मिल करके जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचे, और योजना बनाने में जो हमारा मैनिफेस्टो है या हमने जिन चीज़ों की घोषणा की है सरकार ने, क्योंकि सरकार का मैनिफेस्टो एक आईना होता है, उस आईने को हमने जनता के बीच में रखा कि हम ये 5 साल अगर हमारी सरकार बनती है, आप हमें जन आदेश देते हैं, तो हम इन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसलिए सत्ता और संगठन दोनों मिल करके संसाधन की आवश्यकताओं के साथ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और आज तक 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से जिन जिन मुद्दों के आधार पर, जिन जिन चीज़ों के प्रति जनता के बीच में हमने अपनी बात रखी थी, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि 99% हम लोगों ने उस बात को पूर्ण किया है। क्या उसमें जो 1% छूटा है, जो बोनस का मसला होता है जिसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि झूठ कहा गया, बैल वितरण योजना सवालों के घेरे में आ गई, इस तरह की कई और योजनाएं हैं जो सवालों के घेरे में लगातार रही, गुणवत्ता भी एक मसला रहा, वो चीज़ें क्यों नहीं सुधर पाई? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो जो शब्द हमने कही नहीं वो शब्द हमारे मुंह में डालना चाहती है। हमने मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हम इतने साल तक बोनस बांटेंगे, हमने कहा है बोनस दिया, 300 रुपये सरकार ने बोनस दिया, हमने स्पष्ट कहा है कि हम जो बोनस देंगे उसके आधार पर हमने कहा है, हमने कहीं ये नहीं कहा, हमने केंद्र सरकार से मांग की समर्थन मूल्य 2100 रुपये होना चाहिए, सरकार निर्णय करेगी हम जो है देंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी उसके बाद एक संदेश आया राज्य सरकार को कि ये जो बोनस और ये जो तमाम तरह की ये जो चीज़ें दी जाती हैं उस पर सवाल उठे और उस पर आपत्ति की गई, आपको क्या लगता है कि सरकार का ये ट्रम्प कार्ड है जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उन योजनाओं पर सवाल है मोदी सरकार की तरफ से? देखिए, मोदी जी हमारे देश के PM है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता भी है, उन्हीं की पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही, वही पार्टी की सरकार केंद्र में भी कर रही है, राज्यों के मुद्दे अलग हो सकते हैं लेकिन कॉमन पॉलिसी के तहत उन्होंने जो बात कही है वो राज्यों के अंदर हम लोग विचारनी है, हमारे सामने हमारा नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा और जो हो सकता है स्टेट के हित में, जनता के हित में, पार्टी के हित में वो उचित निर्णय जरूर करेंगे। क्या ऐसा है जैसा कि आपके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के कई उदाहरण हैं सामने जो इस बात को कहते हैं कि सरकार पर प्रशासनिक तंत्र हावी है? मेरे को तो नहीं लगता कहीं से कोई कि प्रशासन के ऊपर कोई तंत्र हावी है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड है, हम काम करते हैं, हम जिस विभाग में काम करते हैं हमें निर्णय करना है उस विभाग के अंदर, जनहित के कल्याणकारी योजनाओं के काम होना चाहिए, जनता ने जिन प्रतिनिधित्व के साथ में मेरे को बिठाया, अगर मैं अपने ऊपर बात करता हूँ, मैं ये नहीं जानता कौन क्या कहता है किसको नहीं कहता, लेकिन मैं जिन विभागों में काम किया उसकी कुछ न कुछ छाप छोड़ के गया हूँ मैं।
लेकिन यदि छाप छोड़ने की बात थी तो एक चीज़ जरा मुझे बता दीजिए, आपके नगरीय निकाय मंत्रालय आपको मिला और वो आपसे ले लिया गया, क्या वजह मानते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लिया क्या हो गया, 3 साल तक काम किया, जिसका राजस्व 20-25 करोड़ रुपये होता था आज 85 करोड़ रुपये राजस्व हो गया, शहर का सौंदर्यीकरण हुआ, चारों तरफ काम हुए, जिन नगर निगम की आमदनी के लिए तनख्वाह के लिए पैसा नहीं मिलता तो नगर निगम के खुद के राजस्व इतना एकत्र होने लग गया कि उनको लगा कि आज हमारा कुछ हुआ है। जो पॉलिसी मैटर आज तक नहीं होते, ऐसे कई मैंने पॉलिसी मैटर बना करके छोड़े जिनके अंदर है, चाहे वेंडर पॉलिसी की बातचीत, चाहे होर्डिंग पॉलिसी की बातचीत हो, चाहे लोगों के अंदर उनको छठे वेतनमान देने की बातचीत हो, मैंने अपने कार्यकाल में कही किया पार्षदों की तनख्वाह बढ़ाई है, ऐसा नहीं कई काम हुए, और विभाग तो आते जाते हैं तो सब जगह विभाग में चलता है। एक और मेरा मसला था, एक प्रश्न मेरा ये है आपसे कि संगठन को लेकर भी कई बार सवाल उठ जाते हैं कि नहीं संगठन अब सत्ता से संचालित हो रहा है या सत्ता प्रतिष्ठान जैसा चाहता है उस हिसाब से संगठन संचालित हो रहा है, ऐसा लगता है? मेरे को तो कहीं से नहीं लगता यार, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से चलती है, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के खुद लोग आप और हम सब उसके जिम्मेदार पद पर बैठे हैं तो हमारे लिए पार्टी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस पार्टी की सरकार बनी है तो जनता की कल्याणकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की छवि को पहुँचाना और साथ में अपनी सरकार की विश्वसनीयता बरकरार रखना, ये हम पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। सियासत जब भी कोई करता है तो उसके प्रतिस्पर्धी होते हैं, विरोधी होते हैं, और निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धी पार्टी के होते हैं। राजेश मूर्त के साथ ऐसा क्यों है कि उनकी अपनी ही पार्टी का कोई वरिष्ठ हमेशा उनको निशाने पे लिया रहता है, एक शीत युद्ध या गर्म युद्ध नजारा आ ही जाता है चाहे अनचाहे? मेरे को नहीं लगता कहीं से, या आप इस बारे में बोलना ही नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, मेरे कहीं से नहीं लगता, कुछ लोगों के भ्रम है, अब किसी को भ्रम में जीने की आदत हो गई तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में काम किया हूँ, इस पार्टी ने मेरे को इतना सब कुछ दिया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, ना मैं सपने में सोचा था कभी विधायक बनूंगा, जिस पार्टी ने मेरे को पहली बार विधायक बनाया, जिस पार्टी ने मेरे को पहली बार मंत्री बनाया, अच्छे विभाग दिए, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार इन कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के नाते ही मैं यहाँ तक पहुँच करके आया हूँ, अगर मेरी पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण मेरी पहचान है, नहीं तो मैं शून्य व्यक्ति हूँ। यहाँ से कुछ चेहरे जब दिल्ली जाते हैं तो बात हो जाती है कि चेहरा बदलेगा, देवजी भाई पटेल ने भी हालिया बंसल न्यूज से एक खास मुलाकात में कहा कि चेहरा बदले ना बदले लेकिन वातावरण बदलेगा, वातावरण ऐसा नहीं है जिसको अच्छा कहा जा सके, इसको बदलना चाहिए, इसलिए यदि लोग दिल्ली जाते हैं और संगठन से अपनी बात कहते हैं तो उसका असर दिखेगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं मेरे को जैसा कुछ है नहीं यार, ना कहीं लगता है, जिसके नेतृत्व में 5 साल के लिए सरकार चुनकर आई उसके नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर विकास की काम की गाथा आगे बढ़ाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से जिन बातों के लिए जिन विश्वास के साथ में जनता के बीच में हम गए थे, जिन मुद्दों पर जनता ने हमें विश्वास दिया उनको पूर्ण करना, यह आपका मेरा सबका कर्तव्य है। आपने अचानक अभी एक नया दावा कर दिया है, उस दावे से बड़ी हलचल मची है, आप कह रहे हैं कि अब मैं महापौर का टिकट का प्रत्याशी हूं, मुझे भी दावेदार माना जाए, आप वैसे ही कद्दावर मंत्री हैं, शक्तिशाली हैं, आपकी अपनी अलग शैली पहचान है, तो फिर महापौर के लिए दावेदारी करने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं मैंने अपनी बात रखी थी, कोई दावेदारी नहीं, पार्टी का ही तो मैंने इसे स्पष्ट कर दिया, इसमें कोई विषय नहीं अब। लेकिन हितार्थ क्या थे कुछ जरा बताएंगे? कुछ नहीं, सामान्यतः बातचीत चली कार्यकर्ताओं ने, लोग कहते हैं कुछ नहीं नगर में ये नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ हो सकता है, काम करने वाले की अपनी इच्छा शक्ति है, अवसर मिले तो पद छोटा नहीं होता है, काम करके दिखाना चाहिए, ऐसे कई बड़े बड़े उदाहरण हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जहाँ भी अवसर मिले, छोटा पद हो बड़ा पद हो, पद से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, काम करने से व्यक्ति की पहचान होती, इस बात को मान के चलना चाहिए। लेकिन आपकी दावेदारी से बाकी सारे दावेदार जो हैं वो अब दावेदारी नहीं कर रहे, पीछे हट रहे? नहीं मेरे भाई लोग हैं सब, मैं तो जिसको भी कमर मिलेगा उसको जिता करके लेके आना, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है, इसलिए हम सब मिल करके लड़ेंगे चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बंसल न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बंसल न्यूज़ का आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार।
ये थे हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूणत, जो एक नई भूमिका में हैं मगर अंदाज वही पुराना है। और मैं फिर अगली बार आपको साथ मिलूंगा किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अलविदा।